हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल माय लॉर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एडीए, डीडीए, डीए, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, इनमें आने वाले लॉ के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन योर चॉइस। इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बताऊंगा कि डीडीए का न्यू सिलेबस क्या है और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन इन्होंने इस क्वेश्चन पेपर में डाले हुए हैं। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, 7 अक्टूबर 2018 को हरियाणा के पंचकुला में हुआ डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्ज़ाम। दोस्तों ये देखिए, इन्होंने सीआरपीसी से स्टार्ट करके क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिक्स मिलेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और सी सेट है ये क्वेश्चन पेपर, और इसमें मोस्टली मैक्सिमम जिस क्वेश्चन आते हैं जिस सब्जेक्ट से, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डाले हुए हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी डाले हुए हैं इस बार भी इन्होंने, जैसा कि पिछले डीडीए के क्वेश्चन पेपर में डाले हुए थे। इस बार केस बेस्ड 9 क्वेश्चन डाले हुए हैं इन्होंने, और जो कि रेंट लॉ इस क्वेश्चन पेपर के सिलेबस में है, और रेंट लॉ से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। मोस्टली क्वेश्चंस सेक्शन बेस्ड और ऑर्डर बेस्ड हैं, और आईपीसी के काफ़ी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, इनके आंसर्स भी साथ में बताए हुए हैं। और जीके के इस बार 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं जीके के। आई थिंक इस क्वेश्चन पेपर की वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफी क्वेश्चन डाले हुए हैं इस बार, 13 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से डाले हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के केस बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। और एनडीपीएस से 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड ही हैं 2 तो, और एक क्वेश्चन डेफिनेशन में से है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से भी 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से 1 क्वेश्चन डाला हुआ है, और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट से भी 1 क्वेश्चन डाला हुआ है, और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 7 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और लिमिटेशन एक्ट से 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये देखिए 73rd क्वेश्चन केस बेस्ड डाला हुआ है, और 74th क्वेश्चन भी केस बेस्ड डाला हुआ है। 74th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट केस इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। दिल्ली लॉ एक्ट केस, इसमें फर्स्ट टाइम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज करी थी 1951 में, उसके बाद
बेरोबरी केस में 1960 में, और 1958 में भी किया हुआ है केरला एजुकेशन बिल केस में, और केशव सिंह केस में 1964 में भी किया हुआ है। सेवेंटी एट्थ क्वेश्चन आईपीसी का इलस्ट्रेशन बेस्ड है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन उठा के इन्होंने डाली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, आर्टिकल 15 क्लोज 5 किस अमेंडमेंट में ऐड किया था, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2005 में हुआ था। इंग्लिश के चार क्वेश्चन डाले हुए थे, चारों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाले हुए थे, और जीके के पांच क्वेश्चन डाले हुए थे। और दोस्तों ये है डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का न्यू सिलेबस, इसी सिलेबस के बेस पे क्वेश्चंस आए हुए थे। और दोस्तों ये देखिए किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस इन्होंने से एग्जाम में डाल रखे थे। केस लॉ बेस्ड नाउ नो क्वेश्चन डाले हुए थे, और आईपीसी से 9 क्वेश्चन डाले थे, सीआरपीसी से 11 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से 10 क्वेश्चन, एनडीपीएस से 4 क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से 4 क्वेश्चन, हिंदू मैरिज एक्ट से 2 क्वेश्चन, हिंदू सक्सेशन एक्ट से 2 क्वेश्चन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से 1 क्वेश्चन, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट से 1 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 9 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए से 7 क्वेश्चन, सीपीसी से 10 क्वेश्चन, एसआरए जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उससे 2 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट से 5 क्वेश्चन, और रेंट लॉ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन से 13 क्वेश्चन डाले हुए हैं, और जीके के 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के 4 क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, हमारा चैनल आप लाइक भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।